यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी में रार शुरू हो गई थी। मायावती ने पूरे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जमकर नुकसान पहुंचाया। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद भी अखिलेश यादव और मायावती के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भुआ और बबुआ के बीच एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल मायावती को निशाना साधने की शुरुआत तो अखिलेश यादव ने ही की थी, जब उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि मायावती ने बीजेपी को चुनाव जितवा दिया है, अब देखना होगा कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से मायावती आग बबूला हो गई है और वो लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोल रही है। बीते दिनों उन्होंने अखिलेश को जवाब देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकती। इसके बाद अखिलेश ने फिर मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि वो भी यही चाहते थे और इसीलिए 2019 आम चुनाव में उनकी पार्टियों का गठबंधन बनाया गया था। हालांकि अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने फिर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो खुद मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, तो फिर वो दूसरों का प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर और कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं, तो दूसरों का सपना कैसे पूरा करेंगे। बता दें कि मायावती और अखिलेश यादव में इन दिनों खूब जुबानी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन मायावती भी इस बार पलटवार करने में पीछे नहीं है और मायावती ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सपा और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी, जिसमें सपा को 5 और बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।